नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका टेक्नोमिट फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, हाजिर हूं आप सबके बीच एक बार फिर से लेसन नंबर 6 को लेकर के। जी हां फ्रेंड्स, कंप्यूटर लर्निंग सीरीज के तहत मैं हाजिर हूं यहां पे लेसन नंबर 6 के साथ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेसन नंबर 6। फ्रेंड्स, इस लेसन में मैं बताने वाला हूं विंडोज़ के सेटिंग्स ऐप के बारे में, यानी कि विंडोज़ का जो सेटिंग पैनल है उसकी हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि किस तरह से सेटिंग्स में हम लोग नेविगेट करते हैं और सेटिंग्स का यूज़र इंटरफेस किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा, यानी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा विंडोज़ सेटिंग्स ऐप को। तो फ्रेंड्स, बेसिकली विंडोज़ सेटिंग्स जो है वो विंडोज़ 10 का एक फीचर है, यानी विंडोज़ 10 का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें कि हम विंडोज़ के सभी तरह के, यानी विंडोज़ का जो OS है उसके हम सभी तरह के सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में ये एप्लीकेशन दिया गया है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल जो विंडोज़ 7 XP में हुआ करता था उसका ही एक नया वर्जन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये विंडोज़ सेटिंग्स पैनल या तो फिर विंडोज़ सेटिंग्स ऐप हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें ज़रा प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस है और किस तरह से हम इसमें नेविगेट करते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑन कर रखा है और चलिए इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। तो बेसिकली हम पहले ये जानते हैं कि विंडोज सेटिंग्स को हम लोग किस किस तरह से ओपन कर सकते हैं, यानी कि कितने मेथड्स हैं इसके ओपन करने के। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग विंडोज सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। पहला मेथड है विंडोज़ प्लस आई प्रेस करके, आई फॉर इंडिया। हम लोग जब विंडोज़ प्लस आई शॉर्टकट कीबोर्ड कमांड मतलब प्रेस करेंगे तब विंडोज सेटिंग्स ओपन हो जाता है। और दूसरा मेथड है स्टार्ट मेन्यू में हम लोग सर्च कर सकते हैं सेटिंग्स और वहाँ से हम सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं इसको ओपन करूँगा पहले, तो ओपन करूँगा मैं इसको विंडोज़ प्लस आई से। ओके, यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो चुका है विंडोज सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका यूजर इंटरफेस से। तो सबसे पहले बेसिकली फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये बहुत ही एकदम सिंपल इसका यूजर इंटरफेस है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, देखने में भी एकदम सिंपल लगता है, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है इसके ऊपर, एकदम वाइट बैकग्राउंड है और इसके ऊपर जो है वो टाइल्स में सारी सेटिंग्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर से सबसे पहले हम लोग मतलब डिस्क्राइब करता हूँ मैं इसको बेसिकली। तो ऊपर में स्क्रीन के सेंटर में ऊपर की तरफ सर्च एडिट बॉक्स है जिसमें कि हम लोग सेटिंग्स को सर्च कर सकते हैं, मतलब हमें कोई अगर स्पेसिफिक सेटिंग चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ लेफ्ट से जो भी सेटिंग्स के इसके कैटेगरीज हैं वो सारे टाइल्स में शुरू होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट ग्रिड व्यू में आते हैं, ठीक है, सब टाइल्स में बने हुए हैं, ओके। तो ग्रिड व्यू में आते हैं तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जो है वो रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं बेसिकली। तो एक रो में आपको मिलता है, यानी कि एक कॉलम में आपको मिलेगा लेफ्ट टू राइट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक यानी लेफ्ट टू राइट एक कॉलम में आपको 5 सेटिंग्स के कैटेगरीज मिलते हैं, उसी तरह से नीचे है और उसी तरह से एक और नीचे है, ठीक है, मतलब कि 3 बेसिकली कॉलम्स बने हुए हैं और इसमें बेसिकली लेफ्ट टू राइट सारे सेटिंग्स को रखा गया है, ठीक है। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये, ओके, इस तरह से। और सारे टाइल्स में बने हुए, मतलब कि लिस्ट में, मतलब यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, सारे जो है वो ग्रिड व्यू में यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसका इंटरफेस है, यानी कि इसका होम, मतलब इसका जो होम जो है ये यहाँ पे हम लोग इसके होम पैनल में है, ठीक है। ओके, और हम यहाँ पे बेसिकली कोई भी सेटिंग्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कीबोर्ड, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं भी अगर डाउनलोड करूंगा, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड टाइप किया, तो देखिए यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो इजीली मुझे सारे कीबोर्ड्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं, टाइपिंग सेटिंग्स मिल रहा है,
Show text suggestions as I type on the hardware keyboard. देखिए, autocorrect misspelled words. तो जितना हो सके उतना ये specific options लेके आता है screen पे. और जैसे मैं यहाँ पे enter करूँगा, तो वो options पे मैं पहुँच जाऊँगा. ठीक है? Show your words as you type. Typing settings. इसमें enter करूँगा अगर मैं. Enter. Land. Typing. Spelling. Autocorrect. तो इस तरह मैं पहुँच गया. ठीक है? इस तरह से इसका जो है वो home है. Hold F4, right mouse button. Enter. Leaving menu. फिर से एक बार चलूँगा. Windows I. Settings. Search box. Find the setting edit. उसके बाद हम ये तो हमने पता कर लिया इसके इंटरफेस. अब हम जानते हैं कि इसमें हम नेविगेशन अब हम जानते हैं कि इसका हम लोग नेविगेशन किस तरह से करते हैं. List box, system, 114, तो हम जैसे ही विंडो सेटिंग्स में लैंड करते हैं, एंटर करते हैं, वैसे ही फोकस जो होता है वो सर्च बॉक्स पे होता है. फिर हमें टैब प्रेस करना होता है एक बार. List box, system, 114, display, sound. उसके बाद हम लोग जो है वो मतलब कैटेगरी के सेक्शन में आ जाते हैं, जो भी सेटिंग्स की मतलब सेटिंग्स की कैटेगरी है. यहाँ पे भले लिस्ट बॉक्स बोल रहा है, बट ये लिस्ट बॉक्स नहीं बल्कि ग्रिड बॉक्स में दिया हुआ है. देखने से ये पूरा ग्रिड व्यू लगता है. ओके, तो यहाँ पे राइट एरो करते करते हम जो है वो मतलब सेटिंग्स को नेविगेट करते हैं. ठीक है, इस तरह से राइट एरो बस ये लास्ट था. ठीक है, हम अप डाउन एरो से भी मतलब नेविगेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस पे मूव नहीं करेगा. वो सिर्फ जिस कॉलम में हैं आप उसी का ही ऊपर नीचे का वो मतलब बेसिकली ऑप्शंस पे मूव करेगा. लेकिन राइट एरो करते करते सारा ही लेफ्ट टू राइट सारा ही जो है वो एक के बाद एक ऑप्शंस पे नेविगेट होगा. ओके, ये रहा इसका एक सेक्शन, होम सेक्शन. और हम चलते हैं और अब हम चलेंगे किसी पर्टिकुलर सेटिंग्स के अंदर. ठीक है, उसके अंदर भी एक नया एक अलग इंटरफेस आ जाता है, तो मैं उसको भी डिस्क्राइब करता हूँ. इसमें चले हम लोग. चलिए हम लोग इसमें चलते हैं. हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कोई सेटिंग के कैटेगरी में एंटर किया, मैंने किसी में भी सेम मतलब सब में सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. तो बेसिकली किसी भी सेटिंग कैटेगरी में आप जब एंटर कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ जाता है. ठीक है, वो जो होम इंटरफेस है वो हट जाता है और सेटिंग्स का कैटेगरी खुल जाता है. तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको ऊपर से नीचे सेटिंग्स की लिस्ट मिलती है. मतलब कि एक तो कैटेगरी है, उसके अंदर की भी सब कैटेगरीज की आपको यहाँ पर लिस्ट मिलती है. ठीक है, ये ऊपर से नीचे आपको मिलेगा. ओके, तो सबसे पहले ऊपर है सबसे ऊपर आपको मिलेगा होम बटन. सबसे ऊपर आपको होम मिलेगा. होम में आप जैसे स्पेस करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे आप होम पे, यानी कि जहां से हम लोग आए. ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा नीचे सर्च बॉक्स. सर्च, ध्यान रहे कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये सारे जो है वो लेफ्ट मतलब स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ही सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं. उसके बाद नीचे आपको मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सारे जो है वो लिस्ट आइटम शो कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे अभी डाउन एरो करूंगा तो कर्सर एंड पॉइंटर, कलर फिल्टर्स, हाई कंट्रास्ट. ठीक है, इस प्रकार से सारे कैटेगरीज हमें मिलते हैं, यानी कि सब कैटेगरीज ईज ऑफ एक्सेस के सब कैटेगरीज. ठीक है, ईज ऑफ एक्सेस लिस्ट बॉक्स विजन सिलेक्टेड डिस्प्ले 106 ध्यान रहे. और जो भी सेटिंग्स यहां पे सिलेक्टेड है वो यहां पे सिलेक्टेड भी बोलता है. कर्सर सिलेक्टेड डिस्प्ले. ठीक है, सिलेक्टेड ये वाला डिस्प्ले सिलेक्टेड है. ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम अगर हाँ ये रहा इसका लेफ्ट पैनल, इसमें जिसमें कि ऊपर होम है, फिर सर्च है और फिर नीचे सेटिंग्स की सारी लिस्ट है. उसके बाद आता है इसका मेन सेक्शन. ठीक है, तो मेन सेक्शन में क्या दिया हुआ है कि जो कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के सारे ऑप्शंस, सारे टेक्स्ट आपको मेन सेक्शन में मिलते हैं, जो कि रहता है स्क्रीन के सेंटर में. ठीक है, स्क्रीन के सेंटर में सबसे बड़े भाग में आपको पूरे पूरे सेक्शंस मिल जाता है. उसके सारे ऑप्शंस आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे. ओके, उसके बाद है राइट सेक्शन. राइट सेक्शन में क्या होता है कि आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें कि मतलब इससे रिलेटेड कोई और सेटिंग्स होगा तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज टू हैव अ फीडबैक का आपको लिंक मिलेगा, या तो फिर कुछ क्वेश्चंस आपको अगर आपको पूछने हैं तो उसका लिंक मिलेगा. तो बेसिकली वहाँ पर राइट सेक्शन में आपको वेब लिंक मिलती है, जो कि स्क्रीन के एकदम राइट साइड में दिया होता है. तो फर्स्ट लेफ्ट सेक्शन है इसका पूरा लिस्ट बॉक्स, देन सेकेंड सेक्शन है इसका पूरे सेंटर स्क्रीन में उसके ऑप्शंस, देन राइट सेक्शन में आपको पूरा इसका जो है वो अलग अलग उससे जुड़े हुए वेब लिंक मिलेंगे सेटिंग्स के. ठीक है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के. ओके, तो अब हम जानते हैं कि इसको नेविगेशन किस तरह से करते हैं. हमने जान लिया कि इसका यूजर इंटरफेस किस तरह से है. और ध्यान रहे, मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये सारे ही कैटेगरी में आपको मिलेंगे, सब में सेम ही मिलेगा. मैं सिर्फ समझाने के लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आया हूँ. ओके,
Home button to activate ease of access list cursor and pointer. Selected. Display. चलिए. Cursor magnifier color filter high contrast narrator. मैं चलिए इसमें चलता हूँ ये कैटेगरी में चलता हूँ मैं. Enter narrator. ठीक है. तो जैसे मैंने narrator पे enter किया तो वैसे ही जो main section है settings का वो update हो गया narrator के options से. Okay? अब हम इसमें navigate कैसे करते हैं? तो simple navigation है. हम लोग tap tap करके navigation करते हैं इसमें. ठीक है. हम लोग टैप टैप करके इसमें 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 नेविगेशन करते हैं. देखिए मैंने टैप किया यहाँ पे तो सीधा मैं मेन सेक्शन पे आ गया. लिस्ट बॉक्स को स्किप करके टैप क्या करता है कि जो नीचे के जो भी लिस्ट बॉक्स लिस्ट आइटम्स होंगे उसको स्किप करके सीधा मेन सेक्शन में आ जाता है. ओके इस तरह से मैं टैप टैप करके जो है वो ऑप्शंस पे नेविगेशन कर रहा हूँ. ओके लेकिन अगर आप जॉस यूज करते हैं तो आप एक और नेविगेशन मेथड यूज कर सकते हैं जो कि है टच कर्सर. उसमें आपको और भी ब्रीफ में पूरा पूरा जो है वो नेविगेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा. मतलब आपको उसमें और भी अच्छा मतलब आपको नेविगेशन एक्सपीरियंस रहेगा. और क्या होता है कि अगर हम टैप टैप करते हैं तो जो जो टेक्स्ट होता है लिखा हुआ सेटिंग्स के अंदर मतलब टैब से सिर्फ क्लिकेबल एलिमेंट पे ही नेविगेशन होता है ना. लेकिन जो टेक्स्ट लिखा होता है वो कभी कभार क्या होता है कि नहीं पढ़ता है. ठीक है. इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि बेसिकली जब किसी एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है और किसी ऑप्शन को जब उसमें डाला जाता है तो ऑप्शन के ऊपर नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है ठीक है उस टेक्स्ट को उस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ एसोसिएट किया जाता है मतलब कि उसको जोड़ा जाता है. तो हम टैब करते हैं तो स्क्रीन रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ देता है. उस पर कर्सर नहीं जाता फिर भी पढ़ देता है. लेकिन अगर डेवलपर ने इस तरह से नहीं किया हुआ है टेक्स्ट को उससे एसोसिएट नहीं किया हुआ है उस पर्टिकुलर ऑप्शन से तब वो जॉस तो नहीं पढ़ेगा तो फिर कोई भी स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ेगा. तब हमें टच कर्सर की ज़रूरत पड़ती है उसमें ऊपर नीचे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है वह पढ़ने के लिए. क्योंकि टच कर्सर जो होता है वो सभी तरह के एलिमेंट पे नेविगेट होता है मतलब नेविगेट करता है चाहे वो क्लिकेबल हो चाहे वो नॉन क्लिकेबल हो. तो अगर आप यहाँ पे टच कर्सर से नेविगेशन करेंगे तो आपको और भी अच्छा यहाँ पे नेविगेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है. अब देखिए सीधा नरेटर पे आ गया लेकिन उसके नरेटर के ऊपर भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं जहाँ पे मेरा कर्सर नहीं गया क्योंकि मैंने सीधा टैप किया तो फिर सीधा वो नेविगेशन पे आ गया ना मतलब क्लिकेबल एलिमेंट पे आ गया. तो अगर मैं यहाँ पे टच कर्सर लेता हूँ शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करके मतलब शिफ्ट दबा के रखना है और फिर नंपैड वाला प्लस प्रेस करना है. नॉम ब्लॉक शुड बी ऑफ ऑफ है. अब मैं यहाँ पे यानी मस्ट बी ऑफ शिफ्ट दबा के रखा मैंने लेफ्ट शिफ्ट और दबा दिया मैंने प्लस टच कर्सर आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे नेविगेशन का जो मेथड हो जाता है वो होता है राइट एंड लेफ्ट एरो. यहाँ पे टैप टैप आपको नहीं करना है. ठीक है. यहाँ पे नेविगेशन का मेथड हो जाएगा टच कर्सर में लेफ्ट एंड राइट एरो ओनली. ओके. हालांकि इसके और भी नेविगेशन के मेथड्स हैं लेकिन इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा. मैं कभी टच कर्सर को जब उसका लेसन बनाऊंगा टच कर्सर पे तब मैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने टच कर्सर ओपन कर लिया है और टच कर्सर बेसिकली क्या होता है कि वो हाईलाइट कर रहा होता है मतलब जहाँ जहाँ जाता है टच कर्सर वहाँ वहाँ वो ग्रीन कलर में उस चीज़ को हाईलाइट करते जाता है. ठीक है. चलिए तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे हमने लिस्ट व्यू से हमने सीधा टैब प्रेस किया तो सीधा वो क्लिकेबल एलिमेंट पे आ गया नरेटर स्विच पे. लेकिन उसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर हम अगर लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो देखिए कि ये क्या बोलता है. देखिए ये हेडिंग हो गया. Narrator is a screen reader that describes what's on your screen so you can use that information to navigate your device. This can be controlled by keyboard, touch and mouse. ये हमने जब टैब प्रेस किया तब हमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं मिला. Narrator. ठीक है. Narrator. Group. Narrator. ये ग्रुप में आ गए नरेटर आ गए. ये हेडिंग है. Narrator is a screen reader that describes what's on your screen so you can use that information to navigate your device. This can be controlled by keyboard, touch and mouse. Okay. Use narrator. Group. Use narrator. Turn on narrator. Toggle switch. Not checked. Has focus. Off. देखिए. On. इस तरह से क्या होता है कि जो टच कर्सर है वो एक एक एलिमेंट पे जाता है जबकि टैब एक जो मेन एलिमेंट होता है उसी पे ही जाता है. ओके. वो भी क्लिकेबल एलिमेंट पे. मैं यहाँ पे टच कर्सर से राइट एरो करते करते नेविगेट कर रहा हूँ. Press the Windows logo key, plus control, plus enter the term narrator on or off. ध्यान रहे. Allow the shortcut key to start narrator. Check box, check. यहाँ पे allow the shortcut key to on narrator, मतलब कि shortcut key यहाँ पे on है, यानी कि control,
कंट्रोल विंडोज एंटर से नेटर ऑन होता है और यहाँ पे इसका बेसिकली शॉर्टकट भी दिया हुआ है। Press the Windows logo key plus Control plus Enter to turn barrier on or off. और अगर मैं यहाँ पे टेस्ट कर्सर को डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल करने के लिए आपको प्रेस करना है दो बार प्लस बटन स्पीड में 1-2। Touch PC cursor. बंद हो गया, ठीक है, PC cursor पे आ गया। और अगर मैं Open barrier on link. अगर मैं उसी एलिमेंट पे जाता हूँ शॉर्टकट की वाले पे तो देखते हैं कि वो कीबोर्ड कमांड पढ़ता है कि नहीं। View the complete guide to barrier on link. Start dash up options. Allow the shortcut key to start barrier. Check box check. So clear check mark. Press space bar. देखिए, नहीं पढ़ा इसने तो कितना आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे छूट रहा था। अगर हमें इसका शॉर्टकट नहीं पता होता तो हमें नहीं ही पता होता यहाँ पे आज, जबकि यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर लिखा हुआ है कि विंडोज़ कंट्रोल और एंटर से नेटर ओपन होता है, यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, लेकिन टैब से उसने सिर्फ मेन एलिमेंट पे ही लैंड किया और वही बोला, बाकी उसके नीचे ऊपर का टेक्स्ट नहीं बोला। ओके, तो अगर हम टच कर्सर को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, सेटिंग्स के अंदर का एक एक एलिमेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो या क्लिकेबल हो, कोई भी चीज़ हो, हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे टच कर्सर का देखिए इतना फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, और बेसिकली आजकल के जो भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं विंडोज़ के अंदर या तो फिर एंड्रॉयड के अंदर, वो सारे टच कर्सर, मतलब टच बेस ही बन रहे हैं, तो टच कर्सर से ही यूज़ करना ये सब चीज़ों के लिए बेनिफिट रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। जैसे कि विंडोज़ का स्टोर है, फिर सेटिंग्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर एंड्रॉयड का भी अलग अलग एप्लीकेशन है, तो सब बेसिकली टच नेविगेशन में इजी होते हैं। इसके लिए टच कर्सर से नेविगेट करना थोड़ा आसान रहता है और बेसिकली और हम लोग उसको सारे एलिमेंट्स हम उसके जो है वो गैदर कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, बेसिकली हम लोग नेविगेशन कर लेते हैं। ठीक है, Start barrier after sign dash enter me check box not checked. Check press space bar. यहाँ पे सिर्फ वो चेक बॉक्स को ही पढ़ रहा है। Allow the shortcut. मैं यहाँ पे अगर touch cursor फिर से ले लिया मैंने. Start allow the shortcut. Press the Windows logo key plus Control plus Enter to turn barrier on or off. ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट दिया जबकि मुझे टैब से नहीं दे रहा था, ये नहीं बता रहा था. Start barrier after sign dash enter me check box not checked. Start barrier before sign dash enter everyone check box not checked. Show barrier home when barrier starts check. Minimize barrier when this box is unchecked. Barrier home will minimize to the taskbar. देखिए. Minimize barrier home to the system tray. Check box. Check. ये तो खैर मेरा टैब भी पढ़ जाता लेकिन. When this box is unchecked, barrier home will minimize to the taskbar. ये नहीं पढ़ा, मतलब ये नहीं पढ़ता. इसका मतलब ये कि जब narrator on रहेगा तो वो taskbar में चला जाएगा, ठीक है? When this box is unchecked, barrier home will minimize to the taskbar. ठीक है? तो इस प्रकार से जो है वो टच कर्सर से इतना बेनिफिट है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाता है सेटिंग में टैप 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 करते करते। ओके, क्योंकि सेटिंग को टच बेस बनाया गया है इसीलिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से बेसिकली सेटिंग्स के यहाँ पे दो पैनल हमने डिस्कस किए, होम पैनल और इसका कैटेगरी पैनल। उसमें हमने नेविगेशन भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हम लोग नेविगेट करते हैं टैब से भी और टच कर्सर से भी। तो फ्रेंड्स इस लेसन में इतना ही, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि आपको लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लेसन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, फीडबैक भी देते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लेसन 6 पूरा होता है, फिर मिलूंगा आपसे एक नए लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।